संशोधन कानून को लेकर बीजेपी व्यापक जन समर्थन जुटाने की कवायद में जुटी हुई है और इसी को लेकर बीजेपी राजधानी रायपुर में 22 जनवरी को जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। अभियान में हिंद सपोर्टिंग मैदान से रैली निकाली जाएगी और अभियान का नेतृत्व करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्री राजेश मूरत ने कहा है कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए सीएए को देश विरोधी करार देने में जुटे हुए हैं, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं है। बता दें कि पहले इस अभियान की अगुवाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे। पूरे देश में जन जागरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में हमारे केशव प्रसाद जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं कल रायपुर में एक विशाल जन रैली को संबोधित करेंगे। सीएए को लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री ने पूरे देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दिया है यह नागरिकता देने वाला विषय है, यह नागरिकता लेने वाला विषय नहीं है।